दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th कोरोना की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ है और अभी भी लॉकडाउन के खुलने के बाद भी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है उस सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष समाप्त हुआ है। उसके उपलक्ष्य में राजस्थान में वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आने वाली 27 तारीख को शाम को 5 बजे माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री हैं, निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जब अटल जी की सरकार केंद्र में थी तब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई। उन्होंने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया सड़कों के मामले में, इसलिए देश भर में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और उन्हीं मंत्री महोदय का उद्बोधन हमें 27 तारीख को सुनने को मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहती हूँ कि 27 तारीख की 5 बजे इस वर्चुअल रैली में जुड़े। जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के कारण से दिया है उस पैकेज के माध्यम से हम कैसे आम व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं, उसकी दैनिक जीवन को कैसे सुव्यवस्थित और अच्छा बना सकते हैं, कैसे वो रोजगार के साधन अपना करके अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करके आगे बढ़ सकता है। बैंकों के माध्यम से मुद्रा में लोन देने की बात की जा रही है और भी बहुत सारी योजनाएं उनके माध्यम से चलाई गई हैं, उनकी भी जानकारी हमें इस रैली के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए मैं पुनः आग्रह करना चाहती हूँ कि 27 तारीख को 5 बजे शाम को होने वाली इस रैली में हम सबको जुड़ना है, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना की वजह से अब सिर्फ वर्चुअल रैली ही होनी है। अब हम जैसे पहले आम सभाएं करते थे वैसी सभाएं होना संभव नहीं है। कोरोना की जंग से यदि लड़ना है तो इसको चुनौती को अवसर में बदलना होगा और हम अवसर में तब बदल सकते हैं जब हम नए प्रकार के आयामों को डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्वीकार करें और उसको अपनाने की कोशिश करें। इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। कैसे जुड़ा जाएगा? कोई देखिए, रैली में जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक आईडी पर एक लिंक उपलब्ध होगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आईटी के प्रमुख हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के या मंडल स्तर के, वो आईटी प्रमुख लोगों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इसका लिंक उपलब्ध होगा, इंस्टाग्राम पर भी इसका लिंक उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज राजस्थान से भी जुड़ सकते हैं और अजमेर से भी जुड़ा जा सकता है।